जय भीम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। ऐसा अंधविश्वास पाखंडवाद आपने ने कभी नहीं देखा होगा। आज हम एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया और उसकी बहू पर एक जबरदस्त कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह कुछ ऊंचा सुनती थी। उसके बेटे की शादी हुए 3-4 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं हुआ था। बुढ़िया परेशान रहने लगी थी। एक दिन वह गांव में एक ब्राह्मण भगत के यहाँ उसके दरबार में गई। भगत के ऊपर देवता की सवारी थी। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं क्या करूं? भगत बोला, जा गौमूत्र लेकर आ। बुढ़िया ने ऊंचा सुनने के कारण उसे सुनाई कम पड़ा और उसने गौमूत्र की जगह बहुमूत्र समझा। फिर वो वहां से घर गई और अपनी बहू से बोली, ओ बहुरिया, एक कटोरे में अपना मूत्र दे दे। इस पर बहू ने पूछा, मूत्र किस लिए मां जी? बुढ़िया बोली, भगत के सिर देवता सवार है, इसलिए उन्होंने मंगाया है। बहू ने पीछा छुड़ाने के लिए कटोरे में मूत्र कर दिया और अपनी सास को दे दिया। वह बुढ़िया मूत्र का बर्तन लेकर वापस भगत के दरबार में गई। भगत के सिर पर सवार देवता बोला, बुढ़िया ले आई? बुढ़िया बोली, जी हां महाराज। भगत बोला, ला दे। बुढ़िया ने वह मूत्र का बर्तन भगत को दिया। भगत ने उस मूत्र पर कुछ मंत्र बड़बड़ाए और गौ माता का आशीष मान और अमृत मान खुद पिया और सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया और अपने ऊपर और सबके ऊपर छिड़का और फिर बुढ़िया से कहा कि तू भी पी ले इस अमृत तुल्य पवित्र प्रसाद को और अपने ऊपर छिड़क ले और बचा हुआ अपनी बहू को पिला देना। अब इसे मंत्रों से सिद्ध किया जा चुका है, तेरी बहू को बच्चा हो जाएगा। बुढ़िया खुशी खुशी घर गई और बहू से बोली, यह प्रसाद पी ले। बहू आई और देखा कि यह तो उसी का मूत्र है जो उसने ही कटोरे में दिया था। बहू ने साफ इनकार कर दिया कि वह अपना मूत्र नहीं पिएगी। बुढ़िया बोली, वहां दरबार में देवता ने पिया, मैंने पिया, पर तू क्यों नहीं देवता का कहना मानती? बहू बोली, देवता के 7 पुरखे मूत पी ले और तुम्हारे 7 पुरखे पी ले, पर मैं तो अपना मूत्र नहीं पीऊंगी। बुढ़िया परेशान होकर वह फिर ब्राह्मण भगत के दरबार में गई जहां देवता की सवारी थी। भगत ने पूछा, बुढ़िया अब क्या परेशानी है? बुढ़िया बोली, बहू ने तो यह प्रसाद पीने से मना कर दिया। देवता ने पूछा, क्यों? बुढ़िया बोली कि बहू ने कहा कि वह अपना मूत्र कभी नहीं पिएगी। भगत जोर से बोला, क्या अपना मूत्र? बुढ़िया, क्या तू गौमूत्र नहीं लाई थी? बुढ़िया बोली, आपने ही तो बहुमूत्र मंगाया था। भगत बोला, बुढ़िया तेरा सत्यानाश हो, सबको अपवित्र कर दिया, मैंने तो गौमूत्र मंगाया था। अब बुढ़िया की बारी थी। उसने धीरे से चप्पल निकाला और भगत के ऊपर बजाना चालू कर दिया और बोली, तुझ पर कौन सा देवता सवार है जो तुझे पता ही नहीं चला किसका मूत्र है? मैं तो कम सुनती थी, लेकिन तू तो देवता है, तुझे तो पता होना चाहिए था। फिर उस भगत को खूब धो दिया। अंत में यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य होने का परिचय दो, किसी भी बात को आंख बंद करके मत मानो, अपना दीपक स्वयं बनो, अंधविश्वास व पाखंडवाद हटाओ, देश बचाओ, स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ।